उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध को लेकर किया विरोध प्रदर्शन और लागू किए गए कृषि बिल को वापस और एमएसपी गारंटी कानून को लाए जाने का सहयोग करें, जिसको लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम तिलोई को सौंपा। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। शेष नाथ तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमेठी। किस तरीके का आंदोलन है, क्यों आंदोलन ये आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहाँ ज्ञापन देना चाह रहे हैं आप? ज्ञापन हम एसडीएम के द्वारा प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को ज्ञापन जाएगा। हमारे किसान भाइयों की समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे बाद में। यानी इस बिल से हम लोग बिकेंगे या बंधक होंगे या मेरी ज़मीनें बंधक होंगी, क्या स्थिति है? ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, ये भारतीय किसान यूनियन टिकट की मांग है। कानून वापस लिया जाए, किसानों का देश है, किसानों की चलेगी, प्रधानमंत्री की नहीं चलेगी, किसानों की चलेगी। ज्ञापन देने के बाद में कितने दिन का आप लोग इंतजार करेंगे, आगे क्या आपकी रणनीति होगी? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, उन्हीं के आदेश निर्देश पर जिला अध्यक्ष वही गए हैं, टीम गई है दिल्ली। लेकिन अब आज का कार्यक्रम था तो हम लोगों ने कहा कि जिले में भी करवा दिया जाए, तो ये पूरे जिले का ज्ञापन तहसील तिलोई में करवाया जा रहा है। किसान यूनियन द्वारा आज आपको ज्ञापन दिया गया, क्या प्रमुख मांगे थी, किस प्रकार का आपका आश्वासन रहा है, प्रमुख मांगों में क्या क्या है? भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक टिकैत गुट द्वारा भी 2 बजे मुझे ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मूल रूप किसानों की समस्याओं एमएसपी के बाबत इन्होंने अपनी मांगे इसमें उल्लेखित किया है। कुछ और छोटी मोटी बातें भी किसानों द्वारा बताई गई हैं, विशेषकर इस क्षेत्र में धान बाहुल्य इलाका है, गेहूं की फसल लगी हुई है, नहरों में पानी न होना या समय से न आना, इसकी शिकायत किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा की गई थी। 1-2 सेंटर पर किसानों के धान वसूली के संबंध में भी बातें कही गई हैं। वैसे यह धान बाहुल्य इलाका है और इसमें लगभग 15-16 सेंटर कार्यरत हैं। अभी तक लगभग 2,50,000 कुंटल खरीद की जा चुकी है। फिर भी जहाँ पर इन द्वारा बताया गया है उन क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा।